कोरोना, कब खत्म होगा ये कोरोना, सबके दिलों में यही सवाल बार बार गूंज रहा है। पर पिछले एक हफ्ते से भारत में केसेस बढ़ते जा रहे हैं, इसकी वजह से कुछ शहरों में लॉकडाउन लग चुका है। लॉकडाउन लगने पे बच्चे खेलने कैसे जा पाए बाहर, तो इसी के लिए आज की वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगी। इसमें मैं आपको बताऊंगा क्रिकेट की प्रैक्टिस आप घर में कैसे कर सकते हैं। पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। क्रिकेट कार्डियो की नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका चैनल होस्ट गगन सांगवान। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्रिकेट की प्रैक्टिस घर पे कैसे की जाए, क्योंकि कुछ सिटीज में लॉकडाउन लग चुका है, उसकी वजह से बच्चे बाहर खेलने नहीं जा पा रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं। तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैं ये वीडियो लेके आ रहा हूँ। मेरे पास इंस्टाग्राम पे काफ़ी सारे DMs भी आ रहे थे कि घर पे बैठे बैठे प्रैक्टिस कैसे की जाए, छोटा सा घर होता है तो उसमें प्रैक्टिस नहीं हो पाती है। तो ये वीडियो उन्हीं सब बच्चों के लिए। तो चलिए बिना देर कीजिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कुछ बैटिंग ड्रिल्स बताऊंगा, कुछ फील्डिंग के ड्रिल्स बताऊंगा, विकेट कीपिंग के भी उसी के साथ में, और थोड़ी बहुत बॉलिंग के ड्रिल्स बताऊंगा, क्योंकि मैं एक बैट्समैन विकेट कीपर हूँ तो बॉलिंग की ज़्यादा मैं प्रैक्टिस करता नहीं हूँ घर पर। तो ये ड्रिल्स मैं आपको आज बताऊंगा। और अगली वीडियो आपके लिए फिटनेस के ऊपर आ रही है कि घर में बैठे बैठे मतलब घर में आप फिटनेस की कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अब बिना देर किए पहली ड्रिल शुरू करते हैं, जो कि है बैटिंग की। बैटिंग में सबसे पहले हमारे पास इंपॉर्टेंट ड्रिल आती है शैडो ड्रिल। शैडो ड्रिल सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है क्रिकेट में। जब आप क्रिकेट शुरू करते हैं तो आप अगर एकेडमी ज्वाइन करते हो तो उसमें भी आपको कोच शैडो ड्रिल से शुरुआत कराता है। शैडो ड्रिल में क्या करना होता है, आपको एक बैट लेना है, ग्लव्स पहनने, आपको ग्लव्स भी पहन सकते हैं, विदाउट ग्लव्स भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपना स्टांस लेना है, स्टांस लेके खड़े हो जाना है। इसमें आपको क्या करना है, जैसे भी आप मतलब फ्रंट फुट डिफेंस की आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो फ्रंट फुट डिफेंस को बस सिर्फ शैडो करना है। आपको किसी की बॉल की जरूरत नहीं है, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ खड़े खड़े उसकी शैडो की ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करनी है। अब बैकफुट पंच की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो पीछे जाइए, जैसे शॉट मारा जाता है बिल्कुल उसी प्रकार होगी, पीछे गए शॉट, कट शॉट, ऐसे ही आपको 50 से 60 बार करने होती है पर शॉट। इसमें आपको ये नहीं है कि 10 शॉट आपने मार दिए उसके बाद 10 शॉट कोई और मार दिए, ऐसे नहीं है। आप 50 ड्रिल एक शॉट की कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट शॉट पे जाइए, तो ये ड्रिल अच्छी रहेगी। दोस्तों, दूसरी ड्रिल हमारे पास आती है बॉल की ड्रिल। इसमें हमें एक बॉल की जरूरत पड़ेगी और एक कॉस्को बॉल, जो भी घर में आसानी से आपको मिल जाएगी। आपको क्या करना है, बॉल को वॉल की तरफ थ्रो करना है और आपको फिर अपना शॉट खेलना है। अगर बैकफुट पे खेलना चाहे बैकफुट पे, फ्रंट फुट पे खेल सके तो फ्रंट फुट पे। अब देखिए कैसे, ऐसे आपको जितनी ड्रिल्स हो सके आपको उतनी ड्रिल्स करनी है। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, सिंगल हैंड ड्राइव्स भी कर सकते हो। एक हाथ से आपको थ्रो करनी है और सिर्फ एक ही हाथ से आपको बैट कंट्रोल करके सीधा जितना हो सके बैट को सीधा लेके जाना है और शॉट खेलना है। देखिए ऐसे ऐसे, जितनी ज्यादा ड्रिल्स आप करोगे उतनी ज्यादा आपको बेनिफिट्स मिलेंगी, तो जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए। अब चलते हैं तीसरी ड्रिल पे। तो दोस्तों, सिंगल हैंड ड्राइव्स के बाद मैं आपको बैटिंग ड्रिल की एक और ड्रिल बता जाता हूँ। इसमें आपको क्या करना है, एक लेदर बॉल लेनी है और बैट लेना है। इसमें आपको ऐसे ऐसे बॉल को टैप करना है, जितने ज़्यादा आप टैप कर पाओगे उतनी आपकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाएगी। और ये जो बॉटम हैंड से आप बैट को उठाओगे, इससे आपका बॉटम हैंड भी मजबूत होता रहेगा, तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए ऐसे। दोस्तों, अगली ड्रिल हमारे पास आती है हैंगिंग बॉल की। बचपन में सभी ने एक हैंगिंग बॉल से प्रैक्टिस जरूर की होगी। तो अगर लॉकडाउन लग चुका है तो घर में बैठे बैठे आप लेदर बॉल से इसी प्रकार बैटिंग कर सकते हैं। अब ये देखिए, आपको अपना स्टांस लेना है, जैसे आप स्टांस लेते हैं और वैसे ही आपको खेलना है फ्रंट फुट पे। अगर आप बैक फुट पे खेलना चाहते हैं तो बैक फुट पे भी जाके खेल सकते हैं ऐसे ऐसे, फ्रंट फुट बैक फुट, आप शफल भी कर सकते हैं, अलग अलग आप अपने आप को चैलेंजेस दीजिए। तो ऐसे आप एक हैंगिंग बॉल से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं घर में।
तो दोस्तों बैटिंग ड्रिल्स के बाद हम बात करते हैं फील्डिंग ड्रिल्स की। सबसे पहली फील्डिंग ड्रिल्स आती है वो बॉल कैचिंग की। कोई भी आप एक बॉल ले सकते हैं और एक आपको कॉस्को की बॉल लेनी है। अगर लेदर की बॉल आप लोगे तो दीवार पे निशान भी पड़ेंगे, डांट अलग से पड़ेगी मम्मी की, तो फिर इसीलिए कॉस्को की बॉल का इस्तेमाल करें, क्योंकि लेदर से आपका सामान भी कुछ इधर उधर अगर हो जाती है, लग जाती है आपसे थ्रो, तो इधर उधर लग के सामान भी टूट सकता है। तो एक कॉस्को बॉल का ही आप इस्तेमाल करें। अब मैं आपको दिखाता हूँ ड्रिल। आपको ऐसे कैचिंग की पोजिशन में बैठ जाना है और यहाँ पे ऐसे आपको थ्रो करने हैं, जितनी ज्यादा हो सके बेंड होके आपके नीज बेंड रहेंगे, और फिर आपको ऐसे कैचेस करने हैं, राइट थोड़ा लेफ्ट, मूवमेंट के साथ भी कर सकते हैं आप, मतलब ऐसे धीरे धीरे शफल करके। ये सिर्फ फील्डर के लिए ड्रिल्स मैं बता रहा हूँ, विकेट कीपर के लिए ड्रिल्स फील्डिंग के बाद आएंगी। सबसे पहली ड्रिल तो आपकी ये वाली हो चुकी है। इसके बाद आप अगर एडवांस मोड में जाना चाहते हो तो आप सिंगल हैंड कैचेस कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड के भी कर सकते हैं थोड़े बहुत। थोड़ा बहुत फंबल होएगा, बट जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही अच्छे से आप फिर कैच कर पाओगे मैचेस में। तो प्रैक्टिस में बने रहे, क्योंकि आपको पता है कैचेस विन मैचेस। तो फील्डिंग जितनी आपकी अच्छी रहेगी उतने ही आप अच्छे से रन बचा पाओगे अपनी टीम के लिए। तो दोस्तों अगर आपको पिछली फील्डिंग ड्रिल्स बहुत आसान लग रही है तो आप ये वाली ड्रिल ट्राई कर सकते हैं। इसमें थोड़ी हम डिफिकल्टी हाई कर देंगे, क्योंकि इसमें क्या है, हम थोड़ा सा डिस्टेंस अपना बढ़ा लेंगे और इसमें आपको अंडर आर्म ऐसे थ्रो करनी है। जितनी आपकी हाथ में पावर है, एक तो आपकी थ्रोइंग आर्म थोड़ा मजबूत हो जाएगा इससे, और जो आपकी कैचिंग है वो भी आपकी बिल्कुल ऐसे रिफ्लेक्सेस आपके बिल्कुल तेज हो जाएंगे। जितनी तेज थ्रो करोगे उतनी तेज बॉल वापस आएगी और आपको कैच करनी है। तो दोस्तों आप ये वाली ड्रिल बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं फील्डिंग के लिए। अब बात करते हैं विकेट कीपिंग की। तो दोस्तों अब बारी आती है विकेट कीपर्स की। जो भी मेरे दोस्त विकेट कीपर्स हैं वो भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं घर पे, तो इसमें क्या है, आपकी फील्डिंग जैसी ही ड्रिल्स होंगी, बस आपको विकेट कीपिंग ग्लव्स पहन के करनी होंगी वो सब। तो आप विकेट कीपिंग ग्लव्स पहन लीजिए। अगर आपको इनर्स पहनने की आदत है आप इनर्स भी पहन के कर सकते हैं, बट अभी मैं आपको सिर्फ ग्लव्स पहन के दिखा रहा हूँ ड्रिल्स। आपने ग्लव्स पहन लिए हैं, इसके बाद आपको कॉस्को बॉल की जरूरत पड़ेगी और अपना बेंड होके रिसीविंग की ड्रिल्स रिसीव करना है पीछे तक। भले ही हल्की, बहुत ही हल्की कैच आ रही है, बट आपको पूरा अपना मोशन रिसीव करके करना है, ताकि मैचेस में भी आपका नेचुरल यही बना रहे। ठीक है, कुछ कैचेस मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ऐसे ऐसे राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसको अगर एडवांस वर्जन आपको करना है तो मूवमेंट के साथ कर सकते हैं आप, थोड़ी सी मूवमेंट के साथ। अब आप सब वीडियो में ये देख रहे होंगे, ये मेरी सेकेंड ड्रिल होने वाली है। इसमें हम क्या करेंगे, ग्लव्स को साइड में रख के इनको ले आएंगे। ये हमारे हरियाणा में इन्हें मुड्ढा कहते हैं, तो आप चेयर का भी यूज कर सकते हैं। ये हमारी होएगी विकेट, क्योंकि काफ़ी कम लोग होते हैं जिनके पास वो प्लास्टिक वाली स्टम्प्स होती हैं जो इन पे आपके टाइल्स और जो भी फ्लोर्स होते हैं उन पे टिक जाती है। तो हम इसको विकेट बना के इसकी थोड़ी स्टंपिंग ड्रिल्स करेंगे। इसके पीछे आपको खड़े हो जाना है और ऐसे 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 लेग साइड में भी ऑफ में करते, बीच में एक दो लेग की करके, और ऐसे पूरी मूवमेंट जो आप विकेट के साथ करते हैं। अब ये नहीं है कि आप बिल्कुल इसे ऐसे करके गिरा दें, तो ये बेचारे दूर जाएंगे। तो थोड़ा आप स्टंपिंग के लिए भी आप ये वाली ड्रिल करके आप अपनी स्टंपिंग भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आप शेयर करोगे तो जो भी आपके दोस्त जूझ रहे हैं घर में कैसे प्रैक्टिस की जाए, तो वो भी थोड़ा बहुत इस वीडियो के माध्यम से सीख पाएंगे, तो उन्हें शेयर ज़रूर कीजिए। अब हम बात करते हैं बॉलिंग ड्रिल के लिए। मैं बॉलर तो हूँ नहीं, तो बट मैं आपको एक ड्रिल बताना चाहता हूँ जो मेरे एक दोस्त ने मुझे बताई थी। तो ये ड्रिल बॉलर्स के लिए, इसमें आपको क्या करना है, अपने राइट नी के नीचे एक मैट रखना है, क्योंकि इसमें क्या है, फ्लोरिंग की वजह से आपके नी की इंजरी के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो राइट नी के नीचे आप अपना मैट रखिए और एक कॉस्को बॉल लेनी है। जो भी आपका लोडिंग एक्शन है, जैसे भी आप लोडिंग करते हैं, ऐसे करते हैं, आप साइडवेज जाते हैं, आपका हाथ सीधा जाता है, जो भी आपका नॉर्मल एक्शन है उस पर आपको काम करना है। जिनका हाथ नहीं घूम पाता है वो हाथ घुमाने पर काम करें, वो सीधा हाथ लेके आएँ। अब आप टेढ़ा हाथ लेके आओगे तो वो, क्योंकि जर्क की वजह से आपकी नो बॉल हो सकती है।
तो जितना हो सके जिनका टेढ़ा हाथ जा रहा है, जिनका हाथ बेंड हो रहा है, तो वो अपना सीधा हाथ लेके जाने की प्रैक्टिस करें। बाकी ये वाली ड्रिल मेरे को एक मेरे दोस्त ने बताई थी, तो मैं आपको बता देता हूँ। राइट नी यहाँ पे रख के, लेफ्ट नी आपका सामने, और आपको लोडिंग करनी है और ऐसे बॉल छोड़नी है। इसमें क्या है, आपका रिदम बना रहेगा, हाथ और आपके जो शोल्डर का स्ट्रेंथ है वो आपका, मतलब आपकी प्रैक्टिस नहीं छूटेगी। तो आप ये बॉलर के लिए एक मेरी छोटी सी टिप है। बाकी आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं कि मैं कौन सी ड्रिल आपको बता सकता था, क्योंकि बॉलिंग की मेरे को ज़्यादा जानकारी है भी नहीं। तो आप ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों, हम वीडियो की एंडिंग पे आ चुके हैं। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि घर पे आप कैसे क्रिकेट के ड्रिल्स कर सकते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा घर पे आप फिटनेस की ड्रिल्स कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट में ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। तो अब मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद। और कोरोना का तो मैं भूल ही गया, इसमें जो भी बच्चे गूंज 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 आपको यू लोडिंग करके